कला बब्बास है और सर छुहारा इसी तरीके से बनता है। हम खजूरों को दूसरे शहरों में से मुख्तलिफ शहरों में से काट कर यहाँ ले आते हैं। उस खजूरों को यहाँ हम छीलते हैं, अच्छी तरह से साफ करते हैं, धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद अच्छी तरह से हम आग पर उसको पकाते हैं। फिर यहाँ नीचे से आग डालते हैं तवे पर। तई है जो सर, वो तीन तीन चार चार घंटे तई में वो आग में जले रहते हैं। बिल्कुल उबलने के बाद हम वहाँ से निकालते हैं। फिर हम एक मैदान होता है साफ मैदान, उसमें से पहले हम वहाँ डालते हैं, सूखते हैं, उसके बाद छुहारा बनता है हमारा। दो किस्मों का होता है, एक जहाँ पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं वो काले छुहारे को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हम काले बहुत ज़्यादा बनाते हैं। एक होता है पीले किस्म का, उस वो जो होते हैं ना, वो पीले किस्म का बाहर के मुल्क में, जैसे कि इंडिया हो गई, बाहर जो फॉरेनर हैं वो उस पीले को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए जो पीले कलर का है ना, वो उसमें मखसूस एक केमिकल वगैरह उसमें हम डालते हैं। जो केमिकल खाने वाला होता है छुहारे में डालने वाला, वो हम डालते हैं। वो इस बार फॉरेन भेजते हैं, इंडिया हो गई, दूसरे ममालिक हो गए, वहाँ हम भेजते हैं। जो काला होता है वो सर यहाँ पाकिस्तान में ही हम सर छुहारा तकरीबन सर जो हम डेली बेसिस पे कटाई करके आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, वो डेली बेसिस पे ही पकाते हैं सर। पकाने के बाद तीन दिन चार दिन में छुहारा रेडी हो जाता है सर। वो हम उठाते हैं, फिर वो हम बोरियों में डालकर मार्केट में सेल करके आते हैं सर। बारिशों में जैसे कि सर 2022 में मुसलसल 6 माह बारिशें चलती रहीं, इसी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ था। धूप भी नहीं निकल रही थी हमारा। इस साल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बारिश नहीं हुई अभी तक, यहाँ उसे आगे भी नहीं होगी इंशाल्लाह। फसल हम बहुत ही अच्छा उठाएंगे सर। यहाँ हमने खुले मैदान में सुखाते हैं, इसी के हिफाजत के लिए हमारे यहाँ गन बॉडीगार्ड रखे हैं। बहुत ही सफाई से, बहुत ही माना मेहनत से हम ये छुहारा बनाते हैं सर। इसके मज़दूर जो होते हैं सर, वो मुख्तलिफ शहरों से मखसूस मज़दूर होते हैं इस काम के लिए चुने गए। उस मखसूस मज़दूरों को जैसे कि घोटकी, कश्मोर, कंदकोट से ऐसे मुख्तलिफ शहरों से लाया जाता है। यहाँ लाते हैं, बुलाते हैं उनको, यहाँ इसी काम से लगाते हैं सर।